हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ड्रॉपडाउन को ऑटो अपडेटेड बना सकते हैं, ऑटो अपडेटेड कैसे होगा। जैसे यहां पर ये हमारे पास एक ड्रॉपडाउन है, इस ड्रॉपडाउन के अंदर हमारे पास हमारी आइटम्स के नाम आ रहे हैं। अब यहां पर ये जो भी नाम है, इनकी हमने एक अलग शीट के ऊपर, जो कि ये वाली शीट है, इस शीट पर हमने अपने आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर रखी है। वापस चलते हैं। अब जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉपडाउन क्रिएट किया है, इस ड्रॉपडाउन को क्रिएट करने के लिए हमने इस लिस्ट का रेफरेंस दिया है, तो मतलब इस डाटा से ये ड्रॉपडाउन लिंक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पर आइटम को ऐड करें, वो हमारा ड्रॉपडाउन लिस्ट के अंदर भी ऑटो अपडेट हो जाए। प्रोसेस को समझते हैं, कैसे हम इसको ऑटो अपडेट बनाएंगे। सबसे पहले जहां पर हमारा डेटा है, जिस डेटा की हम ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। माय टेबल हैज हेडर्स, इस ऑप्शन के आगे टिक रहेगा, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये जो टेबल का स्टाइल चेंज हुआ है, इसको यहां से हम क्लियर कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर ऑप्शन है डिफाइन नेम या नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अपनी लिस्ट को नाम दे देंगे। अब यहां पर हम रेफरेंस टू के अंदर इसको पूरा हम सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब जहां से हमारा मेन डेटा, जैसे हमारा मेन डेटा यहाँ से शुरू है चेयर से, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसका सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। वापस शीट वन पे चलते हैं। डेटा टैब के अंदर आएंगे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स के अंदर आ जाएंगे, इसको पूरा हम सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यहां पर हम प्रेस करेंगे F3। जो हमने अभी लिस्ट क्रिएट करी थी उसका नाम हमको यहां पर शो होगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई दिस चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग्स, इस ऑप्शन के आगे हम टिक करेंगे। जितने भी सेल्स के अंदर हमारी सेम ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट होगी, सब पर यह लिस्ट अप्लाई हो जाएगी, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ड्रॉपडाउन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। अभी यहां पर हम देखेंगे तो 6 आइटम्स हमारी शो हो रही हैं, चेयर, टेबल, फोल्डेबल चेयर, फोल्डेबल टेबल, बेड और फोल्डेबल बेड। 2 आइटम हम अपनी लिस्ट के अंदर और ऐड करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्वीन साइज बेड और किंग साइज बेड। वापस से ड्रॉपडाउन को ओपन करके देखते हैं कि ये आइटम हमारी ऐड हुई या नहीं। ड्रॉपडाउन को ओपन करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों आइटम हमारी लिस्ट के अंदर अपडेट हो चुकी हैं। तो ऐसे हम एक ऑटो अपडेटेड ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।